ना? ते 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 तो, तो आदाब नमस्कार थोड़ी सी देरी हो गई कुछ तकनीकी खामियां थी आ, इस वजह सर बाकी हम लोग वक्त पर आ गए थे लेकिन आपसे संपर्क नहीं हो रहा था अब हो चुका शायद कहानी शुरू करूं उससे पहले आज मैं कह रहा हूं रे बाप मैंने कल मतलब आज मेल पढ़े कल रात से लेके अब तक आप लोगों के मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे मेल इस तरीके से आएंगे आ, कल को लेकर एक तो ये कि कल कॉन्फ्रेंस था हम लोगों का और वो भी शाम को साढ़े सात बजे से शुरू था तो कल लाइव कहानी नहीं सुना सकता था और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था जाना भी ज़रूरी था क्योंकि इंटरनल मैटर था ऑफिस का तो इस वजह से कहानी नहीं सुनाई तो मेरी टीम ने एक, एक पुरानी कहानी थी जो नौ बजे प्ले कर दिया था एक्चुअली वो कहानी आप लोगों के लिए स्पेशली या क्राइम तक के लिए नहीं थी बस वो एक आप समझिए कि इत्तेफाक से अचानक फैसला लिया लोगों ने और उसको चला दिया वो बनाया था वारदात स्पेशल हमने कभी दस साल जब वारदात के हो गए थे उस मौके पे इस कहानी को बनाया था और यूं ही टीम में ऐसी बात हो रही थी कि कुछ अलग करते हैं चाहे अच्छा हो बुरा हो तो जितनी समझ थी जितनी कोशिश थी वैसी एक शो बनाया था जो कल आपने देखा क्राइम तक में और उसको लेके फिर मैंने जो मेल पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि मतलब जितने ही लोग हैं जितने भी आ, कुछ को छोड़ दें तो ज़्यादातर ने निगेटिव ही बातें कहीं और उनमें सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि आप कहानी सुनाएं डायरेक्ट सुनाएं तो ज़्यादा बेहतर लगता है तो कोशिश यही होती कल कोई ऐसा नया हम लोगों ने वो नहीं किया था कि एक कोई नई कोशिश करें कि इस तरीके से कहानी सुनाओ बस वो एक इतफाक़ था क्योंकि कल मैं बिज़ी था, था नहीं ऑफिस में तो पीछे में ये लगा दिया गया था और बस यही था लेकिन आप लोगों को पसंद नहीं आया और आप लोगों की सारी शिकायतें तमाम लोगों की पढ़ी देखी ढेर सारे मेल तो खैर कभी कभी होता है क्योंकि हम लोग भी इंसान हैं और बहुत सारे काम आ जाते हैं तो उसकी वजह से लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई हमने नया फॉर्मेट निकाला और उस तरीके से सुनाएंगे कहानी उसी तरह से मेरी कोशिश होगी जैसे आपको सुनाता हूँ वैसे ही सुनाता रहूँ दूसरा एक और कहानी सुनाने से पहले कल से 16, 17 और 18 तीन दिन आज तक का साहित्य आज तक है इंदिरा गांधी कल्चरल जो आर्ट एंड कल्चरल सेंटर है वहाँ पे ये तीसरा तीसरा साल होगा जब होगा तो सैटरडे और संडे दो दिन आ, मेरा वहाँ सेशन है कुल पांच सेशन है अलग अलग तो मैं वहाँ रहूँगा सैटरडे वैसे भी आपको रिकॉर्डेड कहानी सुनाता हूँ कल कोशिश करूँगा कि मैं लाइव ही सुनाऊँ क्योंकि कल कोई सेशन है नहीं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो जो दिल्ली के आसपास के हैं वो ज़रूर आए साहित्य में और उसमें बड़ा इंटरेस्ट इंटरेस्टिंग सेशन है एक तो आप जानते होंगे सुरेंद्र मोहन पाठक साहब क्राइम के ऊपर पता नहीं कितनी सारी उन्होंने नॉवल लिख डाली उनकी किताबें हम सब ने भी पढ़ी हैं उनके नावल हम लोगों ने पढ़े हैं तो उनके साथ एक बातचीत है क्राइम की कहानी उसका टॉपिक जो कहानी मैं आपको सुनाता हूँ वैसे तो एक्चुअली उस दिन मैं उनसे कहानी सुनूँगा और कोशिश करूँगा कि ये कल मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बताऊँगा तो क्राइम तक पे इसको भी लाइव दिखाऊँ और आप लोग उसको देखें सुने इसके अलावा चूँकि शायरी का शौक़ है तो दो ऐसे महान अजीम शायर हैं जिनके साथ मुझे बातचीत करनी है एक वसीम बरेलवी साहब दूसरे राहत इंदौरी डॉक्टर राहत इंदौरी इन लोगों को बचपन से सुनता आया हूँ इनकी किताबें बहुत सारी पढ़ी हैं और मुझे लगता है कि इस वक्त हिंदुस्तान में शायद इन दोनों से बड़ा शायर कोई है भी नहीं तो मेरे लिए भी बड़ी इज्जत की बात है फ़्र की बात है कि इन दोनों के साथ बैठ कर बातचीत करूँ और टटोलूँ उनके अंदर की वो चीज़ें जो शायरी से हटकर हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान जानकारी निकालूँ आप तक पहुँचाऊँ तो ये आप में से जो भी यहाँ पे हैं आसपास वो बिल्कुल आए बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का वहाँ पे और अच्छा लगेगा आप लोगों को भी इसके अलावा बहुत सारे सेशन अलग अलग कवाली है गज़ल है सूफ़ी संगीत है और फिर अलग अलग जो साहित्यकार हैं उन सब से तो बातचीत है ही है तो ये दो चीज़ें आपको कहनी थी पहली ये कि कल के लिए आप लोगों को पसंद नहीं आए जरूर ज़रूरी नहीं हर चीज़ पसंद आए तो वो हमें एक पता चला आप लोगों के मेल से अब आज की कहानी पे आते हैं आज असल में कहानी मुझे कुछ और सुनानी थी मैंने उसकी पूरी तैयारी भी की थी लेकिन हुआ ये कि पिछले 24 घंटे के अंदर मैं एक ऐसे पुलिस अफसर से मिला और जिसके साथ मैं करीब ढाई घंटा बैठा और कुछ और काम था किसी और केस के बारे में बात कर रहा था और उसी दौरान मैं उनसे मुलाकात होगी मैं किसी और पुलिस वालों के साथ था और अचानक वो जब दिखे तो फिर मेरे अंदर एक सवाल था मैंने कहा कि यार इसका जवाब आप पता करता हूँ अब इस केस में ऐसा कुछ है नहीं कि वो ना बताएं ये जो बुराड़ी इंसिडेंट हुआ था आप लोगों को याद होगा दिल्ली में तीस जून और एक जुलाई की रात अभी जो गुजरा है जून तो उस मामले की जांच दिल्ली पुलिस के जिन लोगों ने की थी और उस जांच के कोर मेंबर में से एक वो पुलिस अफसर थे जिनसे मेरी मुलाकात अचानक हुई तो मेरे अंदर बहुत सारे सवाल थे क्योसिटी थी तो उन्होंने फिर बताना शुरू किया और ढाई घंटे की बातचीत में वो लगभग जो बता रहे थे आप यकीन मानिए कि बस मैं सुनता जा रहा था और शायद आप होते तो आप भी सिर्फ सुनते रहते तो उस पूरे केस को लेकर मेरे बहुत सारे सवाल थे जिसके आज मुझे जवाब मिले और उन सारे चीज़ों को मैं साइड में रखता हूँ सिर्फ आपको ये इसलिए आज मैंने कहानी मैंने कहा कि ये बिल्कुल ताज़ा मामला है और जिस तरीके से उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है वो आप तक पहुँचाऊँ ताकि आप सिर्फ बड़े बड़े केसेस के अलावा एक पुलिस वाला किसी एक केस को कैसे आइडेंटिफाई करता है कैसे उसको उसकी जांच करता है फिर कैसे उसको अंजाम तक पहुंचाता है क्या क्या चीज़ें होती हैं इस पूरे प्रोसेस में तो एक पुलिस अफसर के दिमाग से अगर हम उसको पढ़ें समझें तो जानना बड़ा अपने आप में इंटरेस्टिंग भी होता है और थोड़ा अनोखा भी होता है तो ये जो जिन बुराड़ी के मामले की जांच कर रहे थे उनमें उन से एक पुलिस अफसर उनके बीच और जो करीब ढाई घंटे मेरी बातचीत हुई और उस ढाई घंटे का पूरा जो निचोड़ है वो मैं आपको सुनाता हूँ आप में से ज़्यादातर लोग चुके अभी ये केस ज़्यादा पुराना है नहीं बुराड़ी मामले को जानते होंगे कि बुराड़ी के एक घर से तीस जून और एक, एक जुलाई की सुबह ग्यारह लोग उस घर में रहते थे और ग्यारह के ग्यारह लोगों की लाशें मिली थी दस लाश एक ड्राइंग रूम में छत के ऊपर जाली थी जिससे झूलती भी मिली थी यह भी आपको पता है अब जो कहानी है वो मैं ढाई घंटे की वो बताता हूं एक जुलाई की सुबह जब साढ़े छः बजे एक पड़ोसी चूँकि उस घर के जो लोग रहते थे उनके नीचे दुकान थी किराने की और रोज़मर्रा की चीज़ें जिसमें दूध वूध भी बिकता था ब्रेड भी बिकता था तो आमतौर पर स्कूल स्कूल जो बच्चे सब जाते हैं तो उनके घर वाले वहाँ आते थे ब्रेड लेने दूध लेने के लिए सब कुछ और वो सुबह खोल देते थे दुकान लेकिन उस दिन साढ़े छः बजे तक जब दुकान नहीं खुली तो सामने एक पड़ोसी थे वो गए दरवाज़ा खुला हुआ था तो वो ऊपर पहुँचे ऊपर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक साथ लाशें झूल रही हैं उन्होंने गिनती नहीं की लेकिन जाहिर सी बात इतनी लाशें देख के कोई गिनती किया वो उल्टे पैर वापस भागेगा आप थोड़ा सा साली सोचें आप तो आदमी सहम जाएगा वो चीखते हुए नीचे आते हैं उसके बाद खैर पुलिस को फ़ोन किया जाता है अब लोकल पुलिस पहुंचती है अब यहाँ से कहानी शुरू होती है जब पहली बार पुलिस की टीम उस घर के अंदर जाती है तो पुलिस वालों के भी हाथ पैर फूले हुए थे अब मैं जाहिर सी बात उन जो जाँच में शामिल थे उन पुलिस वाले को थोड़ा सा छुपा के रखूँगा नाम नहीं लूँगा उन्होंने रिक्वेस्ट भी की लेकिन ये पहुँचते हैं उसके बाद अब उनके मन में क्या चल रहा सब कुछ देखा तो देखने के बाद पहले तो ये कि जब वो देखते हैं कि एक साथ इतनी लाशें झूल रही हैं तो हाथ पैर उनके भी फूले उन्होंने कहा कि मैं भी इंसान हूँ बेशक वर्दी में हूँ लेकिन वर्दी के अंदर हमारा भी वैसे ही दिल होता है वैसे ही धड़कन होती है हमारी वैसी सोच होती है हमारे जज्बात वैसे होते हैं तो एक मिनट को लगा कि ये उल्टे पैर वापस भागो यहां से एक अजीब सा माहौल एक अजीब सी वहां पे फीलिंग आ रही थी लेकिन मजबूरी थी ड्यूटी की कि आप भाग नहीं सकते थे तो थोड़ी देर के बाद जब वो थोड़े नॉर्मल हुए तो उन्होंने लाशों की गिनती शुरू की गिनती शुरू की तो दस तक गिनती जाके रुकी तो जो पड़ोसी सबसे पहले देख के आया था वो जिसने शोर मचाया था वो पड़ोसी और एक दो लोग और साथ में थे नेबर जो पुलिस के साथ ऊपर थे तो जब उन्होंने बताया दस तो उस पड़ोसी ने कहा नहीं इस घर में ग्यारह लोग रहते हैं तो उन्होंने कहा शायद एक ग्यारहवां कहीं बाहर गया होगा इस पुलिस अफसर का कहना है कि जैसे ही उसने बोला कि ग्यारह लोग रहते हैं और दस हैं तो हमें पहले लगा कि एक ग्यारहवा ने इन सबको मार दिया ग्यारहवा कातिल है और ये दस मर्डर करके भाग गया तो एक मिनट को उसको ये भी लगा कि ये केस पहले ही सुलझ गया तो वो सारे पड़ोसी नाम बताना शुरू करते हैं तो जब एक एक करके नाम बताते हैं तो फिर पता चलता है कि उस घर की जो सबसे बुज़ुर्ग महिला थी जिनकी उम्र सत्तर साल के पार थी वो उन दस लाशों में शामिल नहीं थी तो जैसे ही वो बताता है कि अम्मा नहीं है इन लाशों में तो वो पुलिस वाला जो अभी अचानक उसे लगा कि केस सॉल्व कर लिया अचानक उसको बड़ी मायूसी होती है कहता है मतलब ग्यारहवीं इस घर की सबसे बुज़ुर्ग और वो भी माँ हैं ये वो कातिल नहीं हो सकती खैर फिर पता चलता कि और क्या तो बाएँ दाएँ बाएँ देखा जाता है तो थोड़ी देर के बाद क्लियर हो जाता है कि ग्यारहवीं जो लाश है घर की बुजुर्ग माँ की वो बेडरूम में एक बेड के पास पड़ी हुई है इसके बाद बीच बीच में आपको बहुत सारी चीजें पता होंगे कि सारी लाशें जो झूल रही थी उनके आंखों पर पट्टी थी कान में रुई था हाथ बंधे हुए थे पैर बंधे हुए थे और कुछ के पैर के नीचे प्लास्टिक के स्टूल थे छोटे छोटे कुछ कुर्सियां थी और वो देख के ही लग रहा था कि सबने खुदकुशी की है लेकिन पुलिस चूंकि जो देखती है सिर्फ उस पर यकीन कर ले तो वो पुलिस नहीं है तो उन साहब को ये लगा कि नहीं पहला जब थाट आया वो यही था कि ये मर्डर है और मास मर्डर है और वो ये भी सोचे थे थोड़ी देर बाद ये अब खबर फैलेगी मीडिया भी आएगी और उसके बाद यहाँ तो दिल्ली में तो कोहराम मच जाएगा एक साथ इग्यारह मर्डर मतलब सुन के ही या बोलने में ही अजीब लग रहा है ये भी था कि फिर तो पूरा थाना भी सस्पेंड होगा जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उन पर भी गाज गिरेगी क्योंकि इन सब चीज़ों को लेके फिर थोड़ा हंगामा भी होगा लोगों में गुस्सा भी आएगा हो सकता है राजनीति भी हो इस पर तो ये सारे ख्याल उसके मन में एक साथ चल रहा है बॉडी टंगी हुई है सब कुछ देख रहा है अजीब सा माहौल है ये भी हो रहा मन कर रहा है कि यहाँ से निकलो किसी तरह कोई बहाना करके भागो क्योंकि वहाँ खड़ा रहना मुश्किल लेकिन ड्यूटी की मजबूरी वहाँ पर मौजूदगी भी ज़रूरी इसके बाद खैर जब ये होता है कि अब आगे की जांच करनी है तो सीनियर अफसरों को फ़ोन किया जाता है फिर डिस्ट्रिक्ट के सीनियर अफसर पहुंचते हैं पुलिस हेडकॉर्टर से जो उनसे भी बड़े सीनियर हैं एसीपी से लेकर डीसीपी सी पी जॉइंट सी पी सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं अभी तक बस इतना ही ये सब कुछ चल रहा है उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद मतलब ये साढ़े छः के आसपास लाश मिली थी लेकिन काफ़ी वक्त बीत गया कोई किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगा रहा है ताकि कोई सबूत ना मिटे लेकिन हर पुलिस वाला वहां पे वो सारा देख के भी कि पट्टी है सबके नीचे स्टूल लुढ़का हुआ है ये है वो है ये मानने को तैयार नहीं कि ये सुसाइड है ये है कि ये मर्डर है और मास मर्डर है जो पहली पुलिस की सोच इसके बाद बाकी लोग आते हैं सब कुछ होता है एक एक चीज़ लिखी जाती है कौन सी चीज़ कहाँ पर है क्या कहा है कहाँ नहीं है तभी उनब की नज़र चूँकि चारों तरफ टटोल रही है ढूंढ रही है कि कुछ ऐसा सुराग कुछ मिले और सीन ऑफ क्राइम में हमेशा ऐसी चीज़ें कुछ ना कुछ एक मिल जाती हैं और सीन ऑफ क्राइम किसी भी क्राइम के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट माने रखता है आ, उसको अगर आपने थोड़ा सा भी नज़रअंदाज़ किया तो आप बहुत सारे सबूत जो है वो आप समझिए एक तरह से मिस कर रहे हैं तो सीन ऑफ क्राइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए छोटी छोटी, छोटी चीज़ें वहाँ पर इवन एक पिन भी आपको कई बार केस सॉल्व करवा देता है थोड़ी देर के बाद जब ये नॉर्मल होते हैं और वहाँ पे आप खड़े खड़े थोड़े से आदी हो गए कि चलो अब पता चल गया कि हाँ ये दस लाशें हैं ग्यारहवीं वहाँ हैं तो पहला जो झटका लगता आदमी चौंकता उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल होता तो उनके साथ यही हुआ कुछ पानी वानी भी पिया बीच में उसके बाद वो पुलिस वाले थोड़े से नॉर्मल हुए नॉर्मल होने के बाद वो चारों तरफ अपने पुलिसिया नज़रें तैरा रहे हैं देख रहे हैं कुछ मिल जाए कुछ ये हो इस बीच में बाकी पुलिस वाले भी अपने घर की तलाशी भी ले रहे हैं कि कुछ कुछ पड़ोसियों से जानकारी ले रहे हैं क्योंकि जो घर में मारे गए थे उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो पड़ोसी एक एक करके सबका नाम पता बता रहे हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है किसका क्या रिश्ता है सब सारी जानकारी नोट कर रहे हैं सब हो रहे हैं इन चीज़ों में वक्त लगता है इसी बीच वो पुलिस वाला चूँकि बहुत देर से खड़ा हुआ था और अपने आप उसने आप दिमाग को कूल किया और उसी हॉल में एक जगह पे घुटने के बल ऐसे यूं ही खाली खड़े खड़े बैठ जाता है थोड़ा सा सीनियर अफसर सब दूसरी तरफ थे घुटनों के बल बैठ के वो सब देख रहा है बॉडी देख रहा है घर की एक चीज़ देख रहा है अचानक वो पहली चीज नोटिस करता है और वो ये नोटिस करता है कि जो दस लाशें झूल रही हैं कमरे में उनमें से नौ के पैर के नीचे जो स्टूल है वो सब के सब लाश के आगे की तरफ लुढ़का हुआ है मतलब अगर मेरा ये सामने का ये फ्रंट फेस है तो स्टूल मेरे आगे है तो अब सोच ये कहती है कि अगर ये सब सुसाइड है तो हर एक स्टूल के ऊपर चढ़ा और स्टूल के ऊपर जब चढ़ के फंदा टाइट कर लिया तो उसने लात से अपने पैर से स्टूल को आगे की तरफ मारा उसके बाद वो झूल गया नौ स्टूल नौ लाशों की आगे की तरफ मुंह की तरफ लुढ़के हुए गिरे हुए पड़े हुए एक स्टूल ऐसा था अकेला जो लाश के पीछे की तरफ था जब उसने नोटिस किया तो अचानक फिर वो खड़ा हुआ उसके बाद पड़ोसी वहीं पे ही थे तो उसने पूछा कि ये ये किसकी लाश है तो पता चला कि वो घर का ही एक बेटा है उसका नाम ललित है उसकी लाश ललित के ठीक बराबर में जो दूसरी लाश थी वो एक महिला की थी उस उस महिला के स्टूल भी सामने की तरफ तो थी लेकिन बाकी की तरह सबके सामने की तरफ नहीं थोड़ा सा लेफ्ट साइड में तो पता चला कि पूछा गया ये कौन है तो बताया गया कि ये ललित की वाइफ टीना है तो पड़ोसी ने बताया <coughs> अब उस पुलिस वाले ने ये चीज नोटिस की फिर अपने सीनियर को बताया इसके बाद फिर वो धीरे धीरे कुछ और चीजें देखने लगा तो अब उसमें कपड़े और वो सारी चीजें ऐसी थी जो पहने हुए थे लोग और चूंकि हर तरफ आंखों में पट्टी कान में रोई पैर किसी के बंधे हुए हाथ भी बंधे हुए फिर वो देखता है कि जो नौ टेबल आगे की तरफ है और एक सिर्फ पीछे की तरफ है तो जो ललित जिसका टेबल पीछे की तरफ था स्टूल उसके हाथ खुले हुए अब उसके बाद वो सारे के हाथ पे एक, एक करके दोबारा से देखना शुरू करता है आठ लोगों के हाथ बिल्कुल सही तरीके से बांधे गए थे मतलब वो आदमी अपने आप खोल ही नहीं सकता हाथ इस तरीके से बांधा गया था ऐसा भी नहीं लग रहा था कि उसको देख के कि खुद ही बांधा हो क्योंकि आप दोनों हाथ खुद भी बांध सकते हैं लेकिन उस तरीके से नहीं जो सामने वाला जिस सफाई से बांधेगा तो उसने देखा कि आठ लोगों की हाथ बिल्कुल सही तरीके से बांधे खुलना मुश्किल है नवीन जो टीना का हाथ था वो बंधा हुआ था लेकिन थोड़ा सा खुला हुआ था वो भी पूरी तरह से नहीं लेकिन थोड़ा सा लेकिन ललित के हाथ खुले हुए थे ये दूसरा पॉइंट उसने नोट किया अब जब उसने ये दो पॉइंट नोट किए तो सीनियर अफसरों से बातचीत हुई सारी चीज़ें फिर दोबारा देखी गई फोटोग्राफ्स हुए फोटो लिए गए इसके बाद सारे लाशों को नीचे उतारा गया पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और अब उसके बाद घर की सारी तलाशी शुरू हुई लेकिन अभी तक बात फिर चल रही है उसकी कि इनके और रिलेटिव कौन है यहाँ ग्यारह थे तो बाहर में कौन है कौन कौन जिंदा बचे हैं इनकी इनकम कितनी है प्रॉपर्टी और क्या है बैंक बैलेंस क्या है जो जानकारी मिल सके बटोर लो। तो ये सारी चीज़ों में लगे हुए थे लेकिन ये जब चीज़ें कर रहे थे तो ये जो दो, दो पॉइंट उस पुलिस वाले ने पकड़ा एक स्टूल आगे की तरफ और एक हाथ खुलावा उसके बाद एक राय बनी वहाँ पे सीनियर अफसरों के बीच कि फिर इसमें से ये है कि जो दसवीं लाश है अलग से मतलब ललित की इसने सारे लोगों के हाथ हैं और इसके हाथ खुले होने का मतलब है कि सबसे आखिर में फांसी का फंदा इसने खुद अपने गले में डाला तो कायदे से अगर आप कानून के हिसाब से चलें तो उसमें यह होगा कि ललित ने नौ मर्डर किए और फिर खुद उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि दूसरे के हाथ उसने बांधे पैर अब पुलिस ये तो मान के चल रही थी लेकिन पुलिस को ही पता था कि ये आसानी से हजम होने वाली चीज़ नहीं है बाकी चीज़ें सारा सबूत ढूंढना है तब तो पूरी तलाशी ली जाने लगी तब तक बाकी जो रिश्तेदार थे इनके वो भी ख़बर की गई उन लोगों को पड़ोसियों को एक एक करके छाना गया पूछा गया इसके बाद जो बाकी दस्तावेज सबूत होते हैं सीसीटीवी फुटेज सामने आया सब कुछ आया जो सबसे अहम चीज़ थी इसमें वो ये कि चूंकि लोकल पुलिस इसको ज़्यादा वो कर रही थी वहाँ पे, आखिरी जो सीसीटीवी फुटेज उस घर के अंदर दाखिल होते हुए जो दिखा वो उस रात ललिथी था और उस करीब साढ़े ग्यारह बजे की बात है साढ़े ग्यारह बजे से लेकर सुबह साढ़े छः बजे तक फिर उस घर में ना किसी ने एंट्री की और ना उस घर से कोई बाहर निकला तो ये पक्का हो गया और उससे पहले के सी सी टी वी फ़ुटेज में कि एक एक शख्स जो घर का है वो सब कैसे कैसे जाता है एक सी सी टी वी फ़ुटेज से ये भी पता चला कि अलग अलग किस्तों में उसी घर की महिलाएँ टीना और उस, उसकी भाभी और एक प्रियंका ये लोग इस टेबल और वो स्टूल और ये सारी चीज़ें ख़रीद कर लेकर आ रहे हैं एक दो दिन पहले से तो ये सारी चीज़ें थी और ये क्लियर हो गया था कि बाहर से कोई आ नहीं रहा अंदर कोई जा नहीं रहा और साढ़े ग्यारह के बाद साढ़े छः बजे सुबह पड़ोसी की बात सबसे पहले जाके देखता है फिर वो बताता है इस बीच में पुलिस को तलाशी के दौरान वहाँ से एक डायरी मिलती है और उस डायरी के बारे में भी आप लोगों को पता है कि उस डायरी में अजीब अजीब ऊल जलूल चीज़ें लिखी हुई थी कि ये करना है भगवान से मुलाकात होगी परमेश्वर आएंगे और सारी चीज़ें होंगी लेकिन अब पुलिस इन चीज़ों पे तो बिलीव करेगी नहीं लेकिन डायरी हाथ आने से और उस डायरी की लिखावट को जब मैच किया गया बाकी चीज़ों से तो पता चला कि वो ललित की हैंड राइटिंग है और उस डायरी में जो चीज़ें लिखी थी वो लगभग वैसी थी कि जैसे मौत होनी थी लेकिन इसके अलावा अब चूँकि घर के अंदर 11 ही लोग जिन थे 11 के 11 मारे गए साढ़े ग्यारह से लेकर साढ़े छः के बीच में सुबह कोई और विटनेस नहीं आया साढ़े ग्यारह से पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं सब नॉर्मल थे तो कोई सबूत कोई गवाह कुछ था नहीं तो अब पुलिस ने बाकी चीज़ें की लेकिन ये जो दो चीज़ें आई थी एक स्टूल आगे की तरफ होना एक को छोड़ के बाकी एक का हाथ खुला रहना बाकी के आठ के हाथ अच्छे से बंधे होने टीना का हाथ थोड़ा सा खुला होना फिर डायरी से ये पता चला कि ललित और टीना हस्बैंड वाइफ और दोनों में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और दोनों ही ये धर्म क्रम पूजा पाठ और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करने वाले मानने वाले तो डैडी की चीज़ें इन लोगों की सोच और जहन को काफ़ी कुछ मिला रहे थे लेकिन फिर भी पुलिस ने कहा कि ये और तो जब सारे हार गए कोई सबूत और कोई गवाह और तो कुछ मिला नहीं तो फिर पुलिस ने आखिरी एक चीज़ की साइकोलॉजिकल अटॉपसी कराने की जैसे एक जहनी आप इसको कहते हैं जहन में क्या चल रहा है आपके उसका पोस्टमार्टम मरने से पहले अब ये होता क्या है साइकोलॉजिकल अटोपसी कैसे काम करता है या इससे आप क्या नतीजा निकाल सकते हैं इसमें यह होता है कि एक आदमी अपनी मौत से कुछ घंटे पहले या कुछ दिन पहले या एक दिन पहले या एक हफ्ता पहले क्या उसके बिहेवियर में कोई चेंज आया क्या उसकी उसके बर्ताव में कोई तब्दीली आई जैसे वो पहले अगर एक हफ़्ता पहले जैसा नॉर्मल रहता था क्या उस आखिरी के एक हफ्ते में वो तनाव में रहता था या उल बातें करता था या मरने की बातें करता था गुस्सा होता था या बिल्कुल शरीफ हो गया था पहले बदमाश था अब सुधर गया एकदम सिर्फ धर्म कर्म की बातें करता है तो उसका बर्ताव उसका बिहेवियर अचानक पिछले कुछ दिनों में बदला या नहीं बदला ये चीज़ें आपकी साइकोलॉजिकल एटोपसी से इसकी जानकारी मिल जाती हैं तो जब ये साइकोलॉजिकल एटॉप्सी भी कराई गई सारी पूरी फैमिली को लेकर तो उसमें फिर आया कि नहीं ये कोई मर्डर भी नहीं है और ये सुसाइड भी नहीं है बल्कि ये एक हादसा है और हादसा इसलिए है क्योंकि जो मैंने आपको शुरू में कहा कि ललित के हाथ खुले हुए थे तो ललित ने बाकी लोगों के गले में फंदा कसा और लास्ट में वो खुद फांसी पे चढ़ गया और जिससे बाकी लोग मारे गए अब इसमें जो ढाई घंटे की मेरी उस पुलिस वाले से कहानी उसमें यही था कि चूंकि अभी इसमें भी कोई विटनेस तो है नहीं सरकमस्टांशल एविडेंस है और वो डायरी है मेन और वो जो सीन ऑफ क्राइम है इसलिए मैं सीन ऑफ क्राइम पे बार बार जोर दे रहा हूँ जो देखा उसने शुरू में <coughs> कुछ लोगों का ये बताया बताया गया था कि पिछले पाँच दिन से उस घर में स्पेशल पूजा चल रही थी वो रात को डेली साढ़े बजे शुरू होता था और करीब एक दो बजे तक चलता था और फिर ख़त्म हो जाता था तो हर दिन वो पूजा इसी तरीके से हुआ था। हुआ करता था कि भगवान मिलने आएंगे तो हम लोग एक मरने का नाटक करते हैं तो नाटक कैसे करें तो उसके लिए ये है कि गले में फंदा कस लेते हैं और फांसी के फंदे पे झूलते हैं और उसके बाद दो मिनट के बाद नीचे उतर आएंगे और उतनी देर आँखें बंद रखेंगे तो भगवान भी आएंगे और दर्शन भी होंगे तो ये चार पाँच दिन चला इसके बाद जब लास्ट डे आया तीस जून तो सेम ये था कि पूजा के बाद फिर ललित ने यही कहा कि चलो आज लास्ट है लास्ट भगवान से मिलते हैं वैसे ही दो मिनट जो हम लोग अभी तक पाँच दिन अच्छा इन पाँच दिनों में इतना रिहर्सल हो चुका था लोगों को लगा कि अब दो मिनट के बाद उतर ही आना फिर वही करना है वो उस दिन थोड़ा सा सीन में चेंज ये हुआ कि पहले सिर्फ कहा जाता था कि फंदा गले में डाल के ऐसे ही और आँखें बंद करना है उस दिन पहली बार घर के सारे लोगों के हाथ बांधे गए पैर बांधे गए मुंह बांधे गए आंख बांधी गए आँख, आँख पर पट्टी लगाई गई कान में वो और इसका रीज़न बताया गया कि एक जगह डायरी में मेंशन भी था और जो मेरी बात हुई उनसे जो जांच में थे तो उसका ये था कि आँखों पर पट्टी इसलिए ताकि हमें कोई बुरी चीज़ें हमें रोके नहीं भगवान के दर्शन करने से कान में रुई इसलिए ताकि कोई ऐसे हम हमारे उसमें विधन ना डाले खलल ना पैदा करें हमें बहकाए नहीं भगवान से मिलने में मुँह इसलिए ताकि कोई गलत बात ना निकल जाए भगवान के सामने तो ये सारी दलीलों के साथ सबको खड़ा किया गया और सबके नीचे स्टूल और इसके बाद जिस तरीके से स्टूल का लोकेशन था जहाँ जहाँ सब लाशों के पीछे से एक एक कर सबके गले में फंदा डालने के बाद और इसमें यह भी हुआ कि अब चुके आंखों आँखों पर सबके पट्टी है हैं दस लोग उस हॉल में लेकिन कोई एक दूसरे को नहीं देख रहा कि वो किस हाल में है और कोई बोल भी नहीं पाएगा कोई देख भी नहीं पाएगा कोई सुन भी नहीं पाएगा तो फिर पीछे से जाकर एक एक कर सबके पैरों के नीचे से स्टूल को धक्का दे दिया गया अब जाहिर सी बात है वो धक्का ललित ने दिया तो पहले एक दो तीन चार पाँच करते हुए वो आठ को धक्का दिया और आठों झूल रहे हैं आठों तड़प रहे हैं लेकिन मजबूरी ये है कि उनके हाथ भी बंधे हुए हैं उनके पैर भी बंधे हुए हैं उनके मुंह से वो चीख भी नहीं निकल रही है क्योंकि मुंह भी उनके ऊपर टेप लगा हुआ है और इसी तरीके से सबकी आवाज़ें घुट गई सबके दम घुट गए और सब झूलने के दो डेढ़ से दो मिनट के अंदर अंदर सभी की मौत हो गई इसके बाद आखिरी में टीना जो है वो उसको उसकी मदद करता है ललित और टीना को फांसी के फंदे पर झूलने में उसको झुलाता है और टीना के साथ लास्ट में अपने लिए भी इसने फांसी का पंधा तैयार कर रखा था और ये खुद झूल जाता है और इस तरीके से जो आखिरी मौत होती है ये ललित की होती है अब ये पूरी जो कहानी है इसको लेकर खुद जो पूरी जांच टीम थी उनमें हर एक पॉइंट पे इन लोगों की बहस हुई दलीलें दी गई लेकिन जो दो तीन चीज़ें काम आई पूरी इन्वेस्टिगेशन में वो यही थी मेन कि एक स्टूल का आठ लोगों के आगे की तरफ होना ललित का पीछे की तरफ होना तो उसमें यह था कि ललित चुके खुद फांसी के फंदे पर चढ़ा था तो जब वो फांसी के फंदे पर चढ़ा तो उसने पीछे की तरफ स्टूल को अपने धक्का दिया ताकि वो झूल सके पैर और ज़मीन के बीच में गैप हो सके तो जो पूरी बातचीत हुई और जो उसका निचोड़ था उसने कहा कि शुरुआत में हम सब इधर उधर भटक रहे थे क्योंकि ये था कि एक साथ दस ग्यारह लोग फैमिली का सुसाइड नहीं कर सकते और फिर रीज़न भी था बहुत सॉलिड की नहीं कर सकते उसी फैमिली की एक लड़की थी प्रियंका जिसकी उम्र तीस साल थी एम कंपनी में काम करती थी और इस इंसिडेंट से ठीक पंद्रह दिन पहले उसकी बड़ी सगाई हुई थी धूमधाम से पूरी फैमिली खुश उस सगाई के वीडियो उसमें गाने बज रहे हैं डांस हो रहा है और उसके बाद शादी की तारीख तय हो रही है तो जो पंद्रह दिन पहले सगाई कर रहा है और जो कुछ महीने के बाद जिसकी शादी है वो लोग ठीक है बाकी फैमिली के लोग अगर सुसाइड कर डिसाइड कर सकते हैं तो कर लें लेकिन वो नहीं करेगी उसके अलावा जो बच्चे थे और वहाँ पे तीन चार बच्चे वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे और सारे अच्छे बच्चे तो वो भी शायद इन चीज़ पे बिलीव नहीं करते और वो क्यों माने माँ बाप और किसी की बात की नहीं हमें मरना है और मर के भगवान से मिलना है दर्शन होने तो इसीलिए इन सबको एक तरह से धोखे में मौत मिला आ, कि भगवान के दर्शन होंगे और दो मेरे पाँच दिन तक चूँकि रिहर्सल हो चुका था पाँच मिनट पाँच दिन तक ऐसे ही खड़ा किया जाता था गले में फंदा डाल के फिर कहते थे चलो अब उताराओ फिर सब हंसते भी थे और यह भी था कि इन चीज़ों को बाहर नहीं बताना किसी को लेकिन जो बच्चे थे वो किसी को इन्होंने जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो अपने किसी पड़ोसियों में और इन लोगों में बातचीत होती है बच्चे में दोस्ती होती तो उसने किसी से शेयर किया था कि हम लोगों को भगवान के दर्शन ऐसे करने और उसने ये भी बोला होगा कि हमें भगवान के दर्शन हुए हैं तो हम तो ऐसे ऐसे ये किया था हमने तो जाँच में ये भी चीज़ सामने आई तो इससे फिर पुलिस को एक लाइन लेने में आसानी हुई लेकिन कुल मिला यही था कि स्टूल के लोकेशन आगे और पीछे होना और एक हाथ खुला होना इन चीज़ों ने पुलिस को इस केस को सॉल्व करने में और वहाँ तक पहुँचाने में अनजाम तक पहुँचाने में काफ़ी मदद की और ये मेरा आपको सुनाने का सिर्फ मतलब यही था कि सीन ऑफ क्राइम में छोटी छोटी चीज़ें जैसे अब यही स्टूल कहाँ पे है या दाएँ हैं बाएँ हैं किस पोजीशन में गिरा हुआ है ये हम आप सोचेंगे तो लगेगा कि इसमें क्या है लाश देखो उसके बदन पे चोट के निशान तो नहीं है ये है कि नहीं वो है कि नहीं घर में सामान बिखरा है कि नहीं लूट हुआ है कि नहीं चोरी हुई कि नहीं लेकिन एक छोटी सी चीज़ उल्टी और पलटी हो वो भी किसी केस को सॉल्व करने में मदद कर सकती है ये इस पूरी मेरी जो बातचीत हुई थी उससे मैंने नतीजा निकाला और इसीलिए मुझे लगता है कि सीन ऑफ क्राइम को हमेशा सीरियसली लेना चाहिए और ये केस को किसी भी केस को सुलझा सकती है आ, पुलिस वाले अगर उसी हिसाब से और उसी सीरियसनेस से स्कूल ले तो तो कहानी मुझे कुछ और सुनानी थी लेकिन वो ढाई घंटे के बाद मुझे लगा कि मैं अपने तक ही क्यों रखूँ आप तक भी शेयर करूँ और इसीलिए मैंने फिर आपको यह आज कहानी सुनाई बाकी कल तो आपसे मिलूँगा ही और परसों आपको रिकॉर्डेड कहानी सुनाऊँगा लेकिन आपके कुछ सवाल लो उससे पहले एक तो बाप रे बाप मैं क्या बोलूँ इतने सारे मेल कल के शो के लिए थे कि बस एक पता नहीं क्यों हम लोगों से बहुत नाराज रहते हैं मैं उन्हीं से शुरुआत करता हूँ उनको ढूंढ रहा हूँ मैं कि उनका नाम कहाँ लिखा है मैंने बहुत उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग आपका शो इसलिए नहीं देखते हैं कि आप हमें ऐसे ऐसे शो दिखा कर अपने टाइम हमारा टाइम वेस्ट कराए मान सिंह देवरा साहब नमस्कार देवरा साहब हालांकि ऊपर आपने माफ़ी शब्द लिखा बाकी नीचे आपने अपना गुस्सा उंडेला देवा साहब एक तो ये माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं जो आपने लिखा ये आपका बड़प्पन है कि आपने ये भी कहा कि बहुत गु़स्से में है लिख रहा हूँ पर आपकी बातों से सहमत हूँ और हमारा कोई ऐसा नहीं होता कि आप लोगों का टाइम वेस्ट करूँ कई बार कई चीज़ें हो जाती हैं लेकिन आप हमारे लिए उतने ही प्यारे हैं उतने ही आदरणीय हैं और आप लोग हैं तो हम लोग हैं और क्राइम तक के परिवार के आप शुरू से मेंबर हैं तो आप ज़रूर इसी तरह से अपनी मुझे लगता है कि हर आदमी को तारीफ़ सुनने का शौक होता है पर मेरा अपना एक मानना ये है कि तारीफ़ सुन के ही खुश होने वाले लोग जो है वो अच्छे नहीं होते अगर उनकी आप शिकायतें करें बुराइयाँ करें तो शायद वो ज़्यादा काम आता है और उससे आदमी बहुत कुछ सीखता है तो आप मैंने आपकी स्मेल से नसीहत भी ली है तो आपने जो भी लिखा आ, ऐसा कोई हमारा वो नहीं था कि अब पुराना शो था आपको बताया था बस ये था कि कल लाइव नहीं हूँ तो कुछ चला देते हैं बस इतनी सी थी बाकी आ, देवरा साहब के अलावा बहुत लंबी लिस्ट है तो मैं इन्हीं के जरिए बाकी तमाम लोगों से भी कहता हूँ कि कल जो हुआ सो हुआ अब कोशिश यही करूँगा कि जब लाइव नहीं हूँ तो बिल्कुल भी नहीं हूँ इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ लिखा कुछ सुझाव दिए हैं कुछ की शिकायतें भी हैं हमारा जिक्र नहीं करते आप मणिकांत मिश्रा जी हैं इन्होंने बड़े आ, अच्छा मेल भेजा है राजीव चतुर्वेदी हैं ये और कमाल ये कि इनका एक बेटा है रूप दस साल का सिल्लीगुड़ी से और कहानी सुनते हैं तो राजीव जी आप थैंक यू वेरी मच और आपके बेटे रूप को भी बहुत सारा प्यार अरिंदम भट्टाचार्य जी हैं इसके अलावा शिवेंद्र शर्मा हैं पंजाब से सलविंदर शर्मा है माफ़ कीजिएगा पंजाब से आ, कौशल भामवानी हैं ये बैंकॉक से हैं नवीन कौशिक इसके अलावा फिरोज कोडाट कोताडिया हैं ये न्यूयॉर्क यू एस से हैं मानसिंह देवरा साहब ने जो शिकायत कर ही दी थी आ, दिप्यान घोष हैं हिमांशु ओझा हैं ओम नामदेव हैं संकरन प्रसीद हैं और इनकी बिटिया कृतिका जिसका मैंने बताया था नाराज़ थी लेकिन अब इसकी नाराज़गी दूर हो गई तो कृतिका बेटा लव यू हमेशा अच्छी रहो नितिन खन्ना है शाकिर शेख हैं वेणु गोपाल शर्मा हैं ये इंदौर से हैं और इन्होंने बड़ी अच्छी कहानी लिख के भेजी है कि वेणु गोपाल शर्मा साहब इंदौर से आजकल घर में खाना वाना यही बना रहे हैं क्योंकि इनकी वाइफ प्रेग्नेंट हैं तो थोड़ा उनको आराम दे रहे हैं और वेज बहुत अच्छे ही बनाते हैं ये और इन्होंने मुझे बुलाया है कभी अगर मैं आया इंदौर की तरफ तो मैं ज़रूर मिलूँगा वेणुगोपाल शर्मा साहब आपसे इसके अलावा निबंधु शर्मा हैं संदीपन प्रेम तिबिशा सुरजीत पाल आ, ये बी में पढ़ते हैं थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं और इनके जो पापा हैं वो वारदात देखते हैं पसंद करते हैं और इनकी आजकल माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है बीमार है तो मैं चाहूँगा क्राइम तक के परिवार के लोग तमाम तो इनकी मम्मी के लिए हम लोग दुआएँ करेंगे जल्दी ठीक हो जाए और सब अच्छे रहें अनीस अंसारी हैं ये शिकायत शिकायतें कि मेल का जवाब नहीं देता हूँ मैं ज़रूर जल्दी दूंगा अनीस साहब दोसू खान हैं ये आ, इसके अलावा पंकज महाठा हैं और एक और लास्ट में मैंने इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है ये शिवा तिवारी आप लोगों को याद होगा कि एक शिवा तिवारी इसी क्राइम तक ने मुझे कई बहनें दी इनमें से एक बहन ये भी है और हैदराबाद में थी अपनी माँ का इलाज कराने के लिए गई थी और वहाँ पे एक दिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि डॉक्टरों की सारी रिपोर्ट आ गई सब कुछ अब ठीक है ऊपर वाले के क्रम से और अभी ये अब वापस अपने घर लेकर आ गई है है हैदराबाद से लंबे टाइम के बाद बिल्कुल अब ठीक हैं और इत्तेफाक से इनका बर्थडे भी है मम्मी का तो बर्थडे भी मनाया तो आप लोगों की दुआएं बहुत काम आई इसी तरह मैं चाहता हूं क्राइम तक के जो परिवार हैं हम लोग सब एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा साथ रहें और सभी अच्छे रहें जैसे मैंने अभी सरजीत पाल जी के लिए बोला कि इनकी इन्होंने स्पेशली कहा था कि इनकी मदर की तबीयत ठीक नहीं है तो इन वो भी जल्दी अच्छी होंगी सेहतमंद होंगी और आप लोग भी सब अच्छे रहें खुश रहें और इसी तरह से क्राइम तक को अपना प्यार देते रहें और इस परिवार को और मजबूत करते रहें

ये बत, चीज़ें जांच में आई ये अच्छा हुआ, आपने मैं मिस कर दिया था जो मेरी बातचीत इसमें बाकी लोग जो रिहर्स दिन से पूजा चल रहा था उसमें खड़े होकर एक वो रिहर्सल करते थे कि फंदे पे झूल रहे हैं भगवान मिलेंगे बट वो चूंकि सत्तर साल से ऊपर की बुजुर्ग महिला थी तो वो खड़ी नहीं हो पाती थी, थी ठीक से तो उनका ये था कि ठीक है आप बेड पे ही करो आप ये जो साधना है आप बेड पे इसी तरह से करें तो उनकी बेड पे ही लाश मिली थी और गले में उनके बेल्ट लपेटा हुआ मिला था तो उनका गला जो है वो बेल्ट से घोटा गया था और उसमें यह भी है कि शायद पहला जो उस दिन पहली मौत उस घर में हुई थी वो उन्हीं बुजुर्ग माँ की हुई थी और इसके बाद वो हॉल के पास नहीं बल्कि दूसरे नीचे के कमरे में उनकी लाश मिली थी बाकी की फर्स्ट फ्लोर पे मिली थी तो पहली मौत उनकी हुई थी

चाहे आप जान अंधविश्वास में लीजिए किसी के बहकावे में लीजिए कानून सबके लिए बराबर है सजा वही है मैक्सिम शरविंद शलके, शलके साहब थैंक यू वेरी मच आपकी तारीफ के लिए आप अच्छे रहें और हमेशा खुश रहें और इसी तरह क्राइम तक को देखते रहें हाँ हिमांशु जी, से से हा, जी का कहना साहित्य में क्राइम तक का कॉर्नर लगा दीजिए एक तो हिमांशु जी साहित्य और तो क्राइम बड़ा अटपटा शब्द लगता है तो ऐसा नहीं है वहाँ पे आपको हर तरफ सारे लोग मिलेंगे और कहीं भी टकरा जाएंगे और सारी टीम के लोग होंगे पूरी आज तक की फैमिली होगी तो कोई एक कॉर्नर हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता मुलाकात जरूर होगी सनी, HK, पहला सरवर बटन दिखाने के लिए दूसरा है और तीसरा की शूटिंग। सनी वीपीएन साहब हेलो तीन वादा मैंने पूरा नहीं किया के, इनका कहना है एक सिल्वर बटन यूट्यूब का दूसरा कैमरा मैन विनोद शिकारपुरी को नहीं मिलाया और तीसरा वारदात की शूटिंग आ, मैंने वादा किया है आपको पूरा जरूर करूंगा सनी भाई और जल्दी करूंगा अह सर uh, एक रवि भा जी हैं वो बोल रहे हैं कि सर अगर अम्मा की मौत पहले हुई थी तो घरवा उनकी चिल्लाने की घर को आवाज नहीं आई कि रवि भावसर साहब का सवाल है कि अगर अम्मा की मौत पहले हुई थी तो घर में बाकी लोगों को चिल्लाने की आवाज क्यों नहीं आई ये जो टाइमिंग है ना जो डिटेल में वो यही है कि ये लगातार पूजा पिछले 4-5 दिनों से चल रहा था प्रैक्टिस हो रही थी उस घर में तो जब आखिरी जहाँ पे पूजा को ख़त्म होना था वो पाँच मिनट का करीब प्रोसेस था तो उस पाँच मिनट में लगभग सभी के आ, कानों में रुई डाल दी गई थी मुंह पे टेप लगा दिए गए थे हाथ बांध दिए गए थे और इस बीच में चूँकि एक नीचे बुज़ुर्ग हैं और उनको आने के बाद आप गला अचानक घोट देते हैं और आवाज़ निकलती नहीं है और उसी तरीके से टेप भी लगा हुआ है तो और डिस्टेंस भी काफ़ी है तो इस वजह से भी आवाज़ नहीं जा पाई लेकिन फिर वही कह रहा हूँ कि इसमें कोई विटनेस नहीं कोई ऐसा जो रन पूरी कहानी वैसे सुनाए ये सारी जो सरकमस्टेंशियल एविडेंस है और जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ सुनील साहब का आज बर्थडे है क्राइम तक और परिवार लीजिए जिनका आज बर्थडे है सुनील साहब हैप्पी बर्थडे हमेशा अच्छे रहिए खुश रहिए और जन्मदिन अच्छे से मनाइए प्रभा जी का सवाल है कि मीडिया को कहाँ तक सीन ऑफ क्राइम में एंट्री करने की इजाजत होती है कहाँ तक नहीं बिल्कुल भी नहीं इजाजत होती है और यह सही भी है इसलिए कि आप फिर सीन ऑफ क्राइम पे अगर मीडिया एंट्री मारती है या मीडिया छोड़ दीजिए कोई भी एक थर्ड पर्सन तो बहुत सारे एविडेंस मिट जाते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते हैं कुछ और चीज़ें इधर से उधर हो जाएंगी जबकि केस सॉल्व करने के लिए मतलब मैं आपको कभी डिटेल में शॉर्ट स्टोरीज़ भी सुनाऊंगा कैसे आपके शूज़ में जूते की में एक मट्टी भी अगर है तो उससे भी केस सॉल्व हुआ है एक बाल से केस सॉल्व हुआ है तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा सबूत बन जाती हैं लेकिन सीन ऑफ क्राइम में अगर इस तरीके से लोग जाएं तो बहुत सारे सबूत मिट जाते हैं तो इसलिए मीडिया को तो खैर ऑफिशियली ऐसा नहीं है कि आपका जाना जरूरी है हमारे पास लाइसेंस है बिल्कुल भी नहीं सर, है, है कि तुम में दिके 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 दिके। कौन है प्रशांत शुक्ला जी ने एन एल बी में एडमिशन लिया ये पर घर वाले कह रहे हैं कि एन एल बी मत करो वकील मत बनो प्रशांत साहब एक ज़माने में मैं भी सोचता था वकील बनूँ लेकिन वकालत बहुत अच्छा पेशा है आ, मेरा ये सिर्फ इतना कहना है कि जो भी आप पेशे को अपनाएं जो भी जिसमें अपना करियर बनाएं करें तो फिर पूरे मन से करें दिल से करें सच्चे दिल से करें ज़रूर कामयाबी मिलेगी और मेरा मानना है कि आज देश में अच्छे वकीलों की सख्त जरूरत भी है क्योंकि बात अगर मैं क्राइम की सिर्फ बात करूं तो क्राइम हो गया क्रिमिनल पकड़ा गया सब कुछ लेकिन आखिरी में तो फैसला पुलिस नहीं करती अदालत में होता है तो सच और झूठ या इंसाफ या ना इंसाफ़ी इसका सही फ़ैसला अदालत में होता है और उस अदालत में जो ज़रिया बनता है किसी को इंसाफ़ दिलाने का वो वकील ही होता है तो वकीलों को लेके बेशक अलग अलग लोगों की राय है लेकिन वकील एक बहुत बड़ी धुरी एक एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे इस पूरे जुडिशल सिस्टम का जिसकी वजह से बहुत कुछ बदल सकता है तो ऐसा नहीं है आपके आप अच्छे से करें आपके घर वाले हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे और ज़रूर कीजिए आप। तो आपको आप अपनी किताब लिखिए वो हाथों हरीश भाटिया हरीश भाटिया साहब थैंक यू वेरी मच तो आपके सुझाव के लिए मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि मैं वाकई किताब लिखना चाहता हूँ वक्त की कमी है और दूसरा मैं चाहता हूँ कि जब मैं किताब लिखूँ तो कम से कम एक हफ्ता कहीं जंगल में जाके खो जाऊँ और तभी लिखूँ वक्त आएगा ज़रूर और मैं लिखूँगा भी ज़रूर ये आपसे वादा है सर सनी तिवारी है अरे सनी तिवारी साहब आप नोएडा और मिल नहीं पाए आपने मुझे बता दिया होता या एक मेल कर दिया होता तो मैं अगर यहाँ होता तो जरूर मिलता आपसे उस वक्त uh, sir, एक सवाल शर्विन, जी का शर्विन जी का एक सवाल एक मेल भी आया था मेरे पास कि आपको जो टीवी तो चैनल पे, पे uh, हर शाम को डिबेट चलता है खासतौर पे रिलीजियस डिबेट जिसमें कुछ पंडित बैठे होते हैं कुछ मौलाना बैठे होते हैं कुछ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन बैठे होते हैं फिर एक एंकर होता है और वो सारे फिर एक दूसरे से सब लड़ रहे होते हैं इस पे मैंने कई मेल पढ़े अब मुझसे मेरी पर्सनल राय पूछी गई है तो मेरा ये मानना है कि अगर हर मसले का हल स्टूडियो में हो तो फिर बाकी सारी चीज़ें बंद हो जानी चाहिए मेरा अपना ये मानना है कि शायद इन सब डिबेट से कभी कोई ना हल निकला है ना निकलेगा बल्कि इससे थोड़ा बहुत उल्टा असर ज़रूर पड़ता है समाज पे और लोगों के बीच में और तीसरी बात ये मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग है इसलिए आप किसी और उस तरीके से मत लीजिएगा मुझे लगता है कि जो धर्म के ठेकेदार बनकर न्यूज़ स्टूडियो में आकर बैठते हैं उनकी अपने धर्म के लोगों के बीच में ही उतनी न पकड़ है न लोग उन्हें मानते हैं ना उनकी बातें मानते हैं न उनको फॉलो करते हैं सब तो नहीं लेकिन इनमें से ज़्यादातर न्यूज़ चैनल के ही खड़े किए हुए कैरेक्टर हैं और टीवी पर आकर वो देखते ही देखते बड़े नाम भी हो गए हैं लेकिन असली में जिन लोगों के बीच से हैं वो लोग ही उनको फॉलो नहीं करते तो फिर आप कितनी भी बहस करा लें किसी भी अलग अलग इशू पर उसका फ़ायदा कुछ नहीं होता नुकसान ज़्यादा होता है कि लकीर थोड़ी और चौड़ी हो जाती है ऋषभ आदर्श जी कह रहे हैं कि इतने साल से शो कर रहा हूँ कभी टी का प्रेशर रहा ऋषभ जी ये पहली चीज़ है जिसका प्रेशर हमेशा रहता है और हर हफ्ते रहता है मतलब आज भी मुझे लगता है जब मैं कोई शो करता हूँ कि ये मेरा पहला शो है ये मेरी पहली स्टोरी है और ये शायद मुझे यही चीज़ ज़िंदा भी रखती है कुछ हर दिन कुछ अच्छा करने के लिए अगर ये लगेगा यार तो बोर हो गया इतने सालों से कर रहा हूँ तो उसी दिन मर जाऊँगा लेकिन आप कॉम्पटिशन आपका हर दिन है हर वक्त है और हर वीक टी आती है तो उसका प्रेशर हमेशा रहता है अगर आप टी में नहीं हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी फिर बॉस आपसे पूछेंगे आपके पास जवाब नहीं होगा तो मेरे लिए टीआरपी उतना मतलब ये नहीं कहूँगा कि मान ही नहीं रखता मैं जो कहना चाहता हूँ ये कि मेरे लिए टीआरपी लाना उतने मान ही नहीं रखता चैलेंज ये होता है कि तमाशा बिना किए हुए और तमाशा बिना दिखाए हुए टीआरपी भी आ जाए और काम भी हो जाए तो वो ज़्यादा चैलेंजिंग काम होता है और कोशिश यही करता हूँ मैं कि मैं चूँकि क्राइम में एक तो तमाशा

एक झीशान साहब का सवाल एक साथ इतने लोग कैसे सुसाइड कर सकते हैं जिसमें से पढ़े लिखे लोग भी वो लड़की भी पढ़ी लिखी आ, मैंने वही कहा कि झीशान साहब आपको जो शुरू में से बताया थोड़ा सा आप या तो मिस कर गए एक साथ 11 लोग सुसाइड यहाँ पे है ही नहीं ये तब सुसाइड मानूंगा ग्यारह के ग्यारह को जब सबको पता है कि हम मरने जा रहे हैं और हमारा मरने का मोटिव ये है मकसद ये है भगवान से मिलेंगे और इसलिए अब मरना है तो ये ग्यारह के ग्यारह को पता होना चाहिए कि वो मरने जा रहा है ये ग्यारह सुसाइड है ही नहीं मैंने जैसे कि कहा कि एक गेम चल रहा था कि चलो भगवान के दर्शन होंगे पाँच दिन से रिहर्सल चल रहा था आज दो मिनट और करते हैं उसका उतर आएंगे और जो ललित है घर का वो बाकी को आठ को हाथ बांधता है लास्ट में अपनी वाइफ को बांधता है सबको स्टूल पे खड़ा करता है और फिर जाके पीछे से वो स्टूल को हटा देता है लास्ट में खुद झूल जाता है तो जब इस हिसाब से आप देखेंगे तो ये ग्यारह सुसाइड नहीं है इसमें से दस मर्डर है और एक सुसाइड है और वो सुसाइड जो है वो ललित का है क्योंकि सबसे लास्ट में वो मरा तो उसे मालूम था कि मैं मरने जा रहा हूं यहाँ उसका इंटेंशन क्लियर था और यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर थी उसे मालूम था कि इनके बाद मेरी बारी बट उन लोगों को नहीं मालूम था कि मैं मरने जा रहा हूँ हाँ हो सकता है कि इसमें मैं ग्यारह में कहूँ नौ मर्डर है दो नहीं या तो टीना को भी पता था जो ललित की वाइफ है क्योंकि लास्ट में तो इन दोनों ने ही सबको बांधने में और स्टूल पर खड़ा करने में मदद की थी और टीना के भी हाथ थोड़े से खुले हुए थे तो कायदे से अगर देखें तो इसमें से नौ मर्डर है दो सुसाइड है ग्यारह के ग्यारह ने सुसाइड नहीं किया है श्रीवेंद्र शिलके साहब का सवाल है कि आप का क्या सोचना है लव जिहाद के बारे में आप सारे मुझे फंसाने वाले आप लोग तो सवाल पूछते हैं लेकिन चलिए आ मुझे तो पहली चीज ये मैं उस शख्स को ढूंढ रहा हूं आज भी जिसने ये नाम रखा है है बहुत खूबसूरत नाम लेकिन ग़लत जगह पे गलत दो शब्दों को मिला दिया गया है कहाँ लव और कहाँ जिहाद हालांकि जिहाद को भी बहुत ही गलत तरीके से पेश किया गया है हमें से ज़्यादातर तो लोग ये मानते हैं कि जिहाद का मतलब होता है लोगों को मारना ब्लास्ट करना और इस्लाम के मतलब नाम पे हम कुछ भी खून खराबा करें उसको जिहाद जबकि ये है ही नहीं जिहाद बड़ा बहुत ही अच्छा इसका ओरिजिनल मतलब है बुराइयों से लड़ना जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ना हक़ के लिए लड़ना ये सारी चीज़ें हैं लेकिन आजकल इसके माने ही आज पूरा बदल दिया है कि जिहाद का मतलब सिर्फ़ ये है आतंकवादी जैसे जिहादी तो शब्द अब आजकल लोग ही यूज़ करते हैं आतंकवादी के लिए जबकि वो है नहीं ऊपर से इधर लव अब लव के साथ जिहाद को मिलाया जिसने भी मिलाया मुझे नहीं मालूम लेकिन ये आज नहीं है ये तो पता नहीं कब से चला रहा लफ जिहाद दो धर्मों अलग अलग जातियों के बीच में प्यार मोहब्बत इश्क शादी जब दो लोग खुश हैं तो फिर बाकी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए लेकिन ये बीच में यहाँ पे चूँकि हालात ऐसे थे कुछ चीज़ें उठी नाम भी दिया गया अब उस पर एक सवाल ये भी उठता कि भैया ये पहले इतने सौ साल तक क्यों नहीं ये नाम आया था लफजिहाद तो जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं समाज आगे बढ़ रहा है नए नए नाम आते हैं हो सकता है आने वाले दौर में लफजहाद का कोई और भी नया नाम हो कंप्यूटर के दौर में अब तो नेट के दौर में हम लोग हैं तो पर मेरा मानना है कि हम में से कोई किसी को हक नहीं है दो बाल लोग क्या सोचते हैं वो अपने बारे में क्या फैसला करते हैं वो क्या पहनना चाहते हैं वो क्या खाना चाहते हैं वो कैसे रहना चाहते हैं वो कहाँ रहना चाहते हैं जो उनका हक है बाकायदा ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ ये हमारे संविधान ने भी यह हक दिया है तो ये हक किसी से छीनने का कोई मतलब नहीं है आ, सर एक सावन भट्ट साहब कहा कि हिंदुस्तान का पहला एनकाउंटर मान्य शुरबे के बारे में बात कर रहे थे आ, कितना सही है आ, इस इनकाउंटर को लेकर बहुत सारे मेरे पास मेल आए हुए हैं बट साहब मैं इसकी जल्दी आपको कहानी सुनाऊंगा और डिटेल में सुनाऊंगा और बताऊंगा कि हिंदुस्तान का पहला इनकाउंटर था कि नहीं था तो सारे तथ्य के साथ आपके सामने रखूंगा अब थोड़ी देर के बाद आप करीब एक घंटे के बाद आज वारदात में भी थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी एक दिल्ली की स्टोरी है एक फैशन डिजाइनर थी फैशन डिजाइनर अच्छी खासी दिल्ली की मशहूर आलिशान बंगले में रहती तो वो जब उनके पास जो ऑर्डर आता था फैशन डिज़ाइनर खुद कपड़े नहीं सिलते हैं आप कारीगर रखते हैं सारे दर्जी रखते हैं तो उनके पास एक दर्जी था वो दर्जी भी बड़ा कमाल का दर्जी ज़बरदस्त सुई धागा और सिलाई मशीन चलाने में उस गज़ब की हुनर लेकिन धीरे धीरे उसे लगा कि वो जो कपड़े सिल रहा है और उसके बाद फैशन डिजाइनर इतनी अमीर हो गए उनके पास बहुत पैसे हैं तो दौलत पे नज़र पड़ गई फैशन डिज़ाइनर की इसके बाद उस दर्जी ने प्लान किया उस दौलत को हत्याने का अपने दो दोस्तों को शामिल किया फ़ैशन डिज़ाइनर और उनके नौकर को जाकर चाकू मारी दोनों मारे गए उसके बाद ये बाहर आता उन्हीं की कार में लूट के पैसे के साथ बाहर आने के बाद पर इसे फिर जो पुलिस के अब आगे की कहानी है वो ये लगता है कि अब तो हम पकड़े जाएंगे क्योंकि घर के अंदर जाते हुए और कार में बाहर आते हुए जो सीसीटीवी फुटेज में सबके चेहरे कैद हो गए थे तो बाद में उसे लगता है कि अब तो हम बचना मुश्किल है पुलिस ढूंढ लेगी तो उसके बाद ये तीनों भागने की बजाय और दुनिया को इससे पहले पता चले कि ये दो मर्डर हो गया जिसमें एक फैशन डिजाइनर की है जो कातिल है वो खुद पुलिस स्टेशन जाता है और सरेंडर कर देता है तो ये एक अजीब कहानी है रात ग्यारह बजे आज आप इसको देख सकते हैं वारदात में कल आपसे फिर मुलाकात होगी अच्छा अचानक आपने कहा है, हाँ कुछ पता नहीं मैंने कौन कौन से शेर आप लोगों को सुनाए कभी कि नहीं सुनाए चलिए एक मैं सुनाता हूँ उस पर ख़त्म करता हूँ कल मुलाकात होगी रात को फ्राइडे कि ज़िंदगी क्या है किसी ताक में जलकर देखो ताक अक्सर हम लोग आप जब बचपन में आप तो रहा नहीं घरों में एक वो होता था जिसमें लालटेन दिया विया रखते थे एक इस तरह का बनाकर तो उसको ताक कहते थे कि जिंदगी क्या है किसी ताक में जलकर देखो रात को शम्मा की मानिंद पिघल कर देखो अपने चेहरे को बदलना तो बहुत मुश्किल है जी बहल जाएगा आईना बदल कर देखो थैंक यू वेरी मच कल मुलाकात होगी रात नौ बजे थैंक यू